साल 2024 में बाजार में कई कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी आ सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स को तगड़ा मुनाफा हो सकता है। जल्द ही अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे। अब अयोध्या में राम मंदिर के तैयार होने से निवेशकों के लिए कमाई करने का शानदार मौका पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के बनने से हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और रियल्टी सेक्टर्स की कुछ कंपनियों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको इन्हीं सेक्टर की उन कंपनियों के बारे में बताते हैं जो फ्यूचर में आपको तगड़ी कमाई करवा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। अयोध्या में राम मंदिर बनने से भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे में टूरिज्म सेक्टर में तगड़ा बूस्ट आएगा। इस कड़ी में सबसे ज्यादा तेजी होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस में देखने को मिलेगी। खबर यह है कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड अयोध्या में 2 होटल खोलने वाली है। कंपनी अयोध्या में विवांता और जिंजर ब्रांड नेम वाली होटल खोल रही है, जो शहर की पहली ब्रांडेड होटल चेन में से एक होगी। एक महीने में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को करीब 7% का रिटर्न दे दिया है। वहीं बीते 6 महीने में इस शेयर ने इन्वेस्टर्स को 22% का मुनाफा करवाया है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की प्रवेग लिमिटेड कंपनी का रिजॉर्ट भी अयोध्या में खुल चुका है। ये एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी चेन है जो बाजार में अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे रही है। प्रवेग लिमिटेड एक महीने में 25% और 6 महीने में 67% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। निवेशक इंडियन होटल्स लिमिटेड और प्रवेग लिमिटेड के अलावा ITC लिमिटेड और ओबेरॉय होटल्स की पेरेंट कंपनी EIH लिमिटेड के शेयरों पर भी नजर रख सकते हैं। ये तो बात हुई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। अयोध्या में राम मंदिर बनने से रेलवे और एविएशन सेक्टर की डिमांड में बढ़ावा होगा। इंडियन रेलवे ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में बड़े शहरों से 1000 ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। इससे IRCTC के शहरों में उछाल देखने को मिल सकता है। दिसंबर महीने में IRCTC के शेयरों ने निवेशकों को 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बीते 6 महीने में IRCTC ने इन्वेस्टर्स को 43.12% का मुनाफा करवाया है। रेलवे के बाद बात आती है एविएशन सेक्टर की। देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक इंडिगो पहली कंपनी है जिसने अयोध्या तक की डायरेक्ट फ्लाइट रखी है। नजर डाले कंपनी के परफॉर्मेंस पर तो दिसंबर महीने में इंडिगो का शेयर निवेशकों को 6.20% का रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने में ये इन्वेस्टर्स को करीब 13% का रिटर्न दे चुका है। कुछ ही दिनों में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। जाहिर सी बात है कि इससे रियल्टी सेक्टर में जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा अगले 3 से 4 सालों में अयोध्या में 1,200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है, जिससे कंपनी की ग्रोथ में बढ़ावा होगा। कंपनी के शेयरों ने दिसंबर में निवेशकों को करीब 21% और 6 महीनों में 56.76% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अब देखना ये होगा कि राम मंदिर बनने के बाद क्या ये सभी कंपनियां इन्वेस्टर्स को ऐसे ही जबरदस्त रिटर्न देने में कामयाब होगी या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि राम मंदिर बनने से अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों की इकोनॉमी में उछाल देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें रियल्टी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अहम रोल निभाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बिजनेस जगत की ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।